और स्वागत है आपका कुकिंग कमलेश में। आज हम आपके लिए बनाने जा रहे हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग, जो कि बच्चों का भी बहुत फेवरेट है, चीज़ पनीर सैंडविच। तो ये बच्चों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है। आइए हम इसकी तैयारी शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि ये किस तरह बनाया जाएगा। सैंडविच को बनाने के लिए हमारे इंग्रेडिएंट्स कुछ इस तरीके से रहेंगे। आप देख सकते हैं मैंने कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स लिए हैं इसे बनाने के लिए। मैंने लिए है येलो बेल पेपर, ग्रीन बेल पेपर, रेड बेल पेपर और दो टमाटर लिए हैं मैंने। और मैंने प्याज ले लिया है जिसको मैंने पहले से ही ग्रेट करके रखा हुआ है। और दूसरी साइड 200 ग्राम अराउंड मैंने पनीर लिया है। और मसाले कुछ इस तरीके से रहेंगे हमारे। मसालों में मैंने 2 चम्मच हम टमाटो केचप लिया है, 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है, थोड़ा सा मैंने लिया है भुना जीरा लिया है, और साथ में मैंने लिया है साबुत जीरा। और साबुत जीरा के साथ साथ मैंने लिया है थोड़ा सा गरम मसाला, नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग लिया है, और धनिया पाउडर लिया है, थोड़ी सी ली है मैंने हल्दी, और थोड़ी सी ही स्वाद अनुसार मैंने ली है लाल मिर्च। आइए इसकी प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं। मैंने पैन को गैस पे गर्म होने रख दिया है और मैंने 1 बड़ा चम्मच डाल दिया है इसके अंदर तेल। अब हम इसको गर्म होने देंगे। देख सकते हैं आप जिस तरीके से ये गर्म हो गया है। गर्म होने के बाद मैंने इसमें डाल दिया है जीरा, जो कि अब क्रैक होने लगा है। जीरा क्रैक होते होते अब मैं इसमें डाल दूंगी प्याज। प्याज डाल दिया है मैंने, लगभग मेरे 2 बड़े प्याज थे, मैंने इसको स्लाइस कर लिया था। अब इसको अच्छे से चला लेंगे और इसका कच्चापन थोड़ा दूर कर लेंगे। हमें इसे प्रॉपर नहीं पकाना है, हमने सिर्फ इसका कच्चापन दूर करना है और क्रंचीनेस इसकी बरकरार रखनी है। साथ ही मैंने डाल दिया है, आप देख सकते हैं, अदरक लहसुन का पेस्ट, और इसको भी हम अच्छे से चला लेंगे। अदरक लहसुन के पेस्ट के बाद मैंने 2 टमाटर जो चॉप कर लिए थे वो डाल दिए हैं, और इसको भी हम अब साथ में मिला के पकाना शुरू करते हैं। अब इसको मिलाते जाएंगे और पकाते जाएंगे। आप देख सकते हैं ये पक रहा है, और साथ ही मैंने डाल दिया इसके अंदर धनिया पाउडर। धनिया पाउडर के साथ डाल दी मैंने हल्दी, लाल मिर्च, और अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे सभी मसालों के साथ, ताकि सारे मसाले अच्छे से टमाटर प्याज में मिल जाएं, और इसको साथ साथ हम चलाते भी रहेंगे। अब मैंने डाल दिए हैं बेल पेपर्स, रेड येलो ग्रीन, तीनों तरीके के मैंने बेल पेपर्स इसके अंदर डाल दिए हैं। और इसको अब हम अच्छे से चला लेंगे, ताकि थोड़ा सा इसमें भी जो कच्चापन है शिमला मिर्च का वो निकल जाए। हमें प्रॉपर नहीं पकाना है, इसको खड़ा खड़ा रखना है ताकि इसकी क्रंचीनेस हमें पता लगे। हमने ढक दिया है, ढकने के बाद हम देख सकते हैं इसको, हमने चेक कर लेते हैं एक बारी। ये देखिए अच्छे से हमारा मसाला एकदम लिपटा लिपटा सा तैयार हो गया है। अब इसी स्टेज पे क्या करेंगे, हम अपना पनीर डाल देंगे। पनीर डालने के बाद हम इसको अच्छे से मिला लेंगे, ताकि अच्छे से सारे मसाले हमारे पनीर में मिल जाएं। ये पनीर में मिलाने के बाद अब मैंने डाल दिया है इसके अंदर केचप और गरम मसाला, और इसको भी हम अच्छे से मिला लेंगे। ऊपर से गार्निशिंग के लिए रहेगा हमारा धनिया, जो बहुत ही फ्रेश फ्लेवर देता है, एकदम फ्रेश धनिया है ये। और आप देख सकते हैं जब हमारा स्टफिंग तैयार हो गई है, उसके बाद मैंने पैटी मेकर ले लिया है, उसमें साथ साथ मैं ग्रीसिंग करते जा रही हूँ। आप बटर की ग्रीसिंग कर सकते हैं, ऑयल की ग्रीसिंग कर सकते हैं, किसी की भी ग्रीसिंग कर सकते हैं। ये मैंने ब्रेड स्लाइस ले लिया, उस पर मैं शेजवान की चटनी लगा रही हूँ, जो कि मेरी होममेड है। इसका भी डिस्क्रिप्शन आपको आई बटन में मिल जाएगा, आप वहाँ जाके इसकी भी रेसिपी देख सकते हैं। दोनों स्लाइसेस पे लगाने के बाद जो मैंने स्टफिंग तैयार की थी वो मैं अच्छे से अपने ब्रेड स्लाइस पे फैला लेती हूँ। फैलाने के बाद
आप देख सकते हैं कितना सुंदर कलर लग रहा है सारी वेजीज का। और ये दूसरी ब्रेड साइज से मैंने इसको क्लोज कर दिया है। अब ऐसे ही मैं एक और ब्रेड स्लाइस पे शेजवान की चटनी लगा लेती हूँ और बाकी अपनी स्टफिंग अच्छे से इस पर फैला लेती हूँ। अब फैलाने के बाद आप देखेंगे मैं इसमें डालूँगी चीज़ स्लाइस। ये मैंने अपना चीज़ स्लाइस ले लिया, इसको ओपन कर लिया है। एक्चुअली बच्चों के लिए बहुत ही पसंदीदा चीज़ है कि वो चीज़ जब डालेंगे आप ये उसका पौष्टिकता और भी बढ़ जाएगी और उन्हें खाने में और भी ज़्यादा मज़ा आएगा। और इस पर भी देखिए शेजवान चटनी लगाने के बाद इसको मैंने कवर कर दिया है। और अब बच्चों के स्कूल खुल चुके हैं तो उन्हें ऐसी चीज़ें खाने में बहुत मज़ा आता है, तो क्यों ना हम उन्हें सुबह सुबह ये ईजी सी रेसिपी बना के दे सकते हैं। अब इसको ग्रीस कर लिया आप देख सकते हैं और मैंने इसको गैस पे पकाने रख रही हूँ। गैस पे आप देख सकते हैं एक साइड से पक चुका है ये। अब इसको बीच बीच में पलट पलट के चेक करते रहेंगे, हमें दोनों साइड से इसको क्रिस्पी करना है। ये देखिए, ज़रूरी नहीं है आपको गैस पैटी मेकर ही इस्तेमाल करना है, आप इसके लिए अपना इलेक्ट्रॉनिक पैटी मेकर भी यूज़ कर सकते हैं, वो भी आपको इतना ही भरपूर और टेस्टी स्वाद देगा। ये देखिए कितना क्रिस्पी गोल्डन कलर आ गया है और कितना माउथ वाटरिंग लग रहा है देखने में भी। ये देखिए कितना आसानी से हमारा ये निकल गया है, आप देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है देखने में। ये सर्व करने के लिए बिल्कुल तैयार है। इसको चाहे अपने ब्रेकफास्ट में खाइए, लंच में खाइए, बच्चों को दीजिए, और कोई अगर घर पे मेहमान आ रहा है एज अ स्नैक्स भी आप इसको सर्व कर सकते हैं। ये देखिए अंदर से कितना पिज़्ज़ा और चीज़ी लुक दे रहा है ये, ये बच्चों को बहुत बहुत पसंद आएगा। इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई कीजिए। ये देखिए कितना क्रिस्पी है, इसकी साउंड आप सुन सकते हैं। ये देखिए दोनों साइड से ही ये बिल्कुल बराबर क्रिस्पी बना है। ये देखिए कितना अच्छा चीज़ स्लाइस का वो दिख रहा है हमें, कलर बिल्कुल प्रॉपरली मेल्ट हो चुका है। इसी तरीके से हम एक बिना चीज़ का भी बना के मैं आपको दिखाती हूँ। इसमें मैंने चीज़ स्लाइस नहीं डाला है क्योंकि समटाइम्स होता है बड़े लोग होते हैं उन्हें चीज़ नहीं पसंद होता, तो आपका ऑप्शनल है, चीज़ आप बच्चों के लिए डाल सकते हैं नहीं डाल सकते हैं, पर हाँ डालें ना डालें पर आपको टेस्ट बहुत बहुत पसंद आएगा इसको। ये देखिए अब इसको चेक करते करते बीच में दोनों साइड से फ्लिप करते करते वाओ कितना प्यारा कलर आ रहा है इसका। अब मैं इसको भी सर्व कर लूँगी और निकाल लूँगी ध्यान से, थोड़ा सा हमें ध्यान देना है, थोड़ा पैटी मेकर गर्म है। ये मैंने निकाल के ये भी सर्व कर लिया है। मुझसे तो व्यूअर्स रुका नहीं जा रहा है खाने के लिए और मुँह में बहुत पानी आ रहा है। आप देख सकते हैं कितना यमी और टेस्टी लग रहा है। आप भी इसको अपने घर पर ट्राई कीजिए और कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको ये क्विक इजी और क्या कहते हैं पौष्टिक रेसिपी कैसी लगी। और ऐसे ही आप आगे भी और भी रेसिपीज़ को फॉलो करते रहें। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। मिलते हैं आपसे ऐसे ही एक अगली वीडियो में।